लाइव अभी तक में आप सभी का स्वागत है। लाइव अभी तक कराता है आपको सच्चाई से रूबरू। आइए देखते हैं, उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में एक फौजी को चलती ट्रेन से बाहर फेंकने का मामला सामने आया है, जिसमें ट्रैक के किनारे लावारिस हालत में पड़े फौजी को जीआरपी पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल मामला नजीबाबाद के डबल फाटक का है, जहां महज सीट पर बैठने को लेकर गुस्साए टीटी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक फौजी को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिससे फौजी की टांग और हड्डी टूट गई। जीआरपी ने फौजी को अस्पताल में भर्ती तो करा दिया, लेकिन अस्पताल कर्मियों ने इंसानियत को तार पर रखते हुए उपचार करने में जमकर लापरवाही बरती। हद तो जब हो गई जब फौजी को एक एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं हो सकी। किसी तरह परिजन उसे मिलिट्री अस्पताल मेरठ ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। लोगों की माने तो रेल में रिश्वत लेते हुए फौजी ने टीटी को वीडियो अपने मोबाइल में बना ली थी, जिससे टीटी बौखला गया और नाराज हो गया, और बौखलाए टीटी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फौजी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। देश की रखवाली करने वाले फौजियों के साथ ऐसा व्यवहार देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आपको भी टीटी की ये हरकत देखकर अजीब सा लगेगा, क्या कोई इंसान किसी के साथ ऐसा कर सकता है? हम तो चाहेंगे ऐसे रिश्वतखोर टीटी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। बिजनौर से फैसल खान की रिपोर्ट, लाइव अभी तक। हम वहां से आते हैं तो देखते हैं कि जिला अस्पताल में वो भर्ती था बिजनौर में, वहां उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वहां से लाके हमने आर्मी भर्ती कराया, तो जब हमने छानबीन की और उससे पूछताछ की भाई से, तो उसने बताया कि मुझे टीटी द्वारा बदतमीजी की गई मेरे साथ। मेरे बैग 2 किलोमीटर पहले फेंक दिए गए और मुझे भी धक्का मार के गेट से बाहर कर दिया गया, जिस कारण मेरा हाथ छूट गया और नीचे गिरा हूँ। उसके बाद मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और टीटियों द्वारा बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की गई है। और मेरा सभी संबंधित अधिकारियों से निवेदन है कि जो उन्होंने ऐसी देश की रक्षा करने वाले के साथ, एक आर्मी के बंदे के साथ ऐसी हरकत की है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जाए। सर क्या नाम है आपका? SIS कुमार पाल, मैं नाइट अफसर था। 7 तारीख को सुबह 2 बजे सूचना मिली थी कि एक आदमी करीब 1.5 किलोमीटर पहले गाड़ी से गिर गया था, तो तुरंत हमने उसे एडमिट करा दिया था। उसके बाद वो रेफर ऊपर के बिजनौर गया, बिजनौर के बाद के उनके घर वालों को सूचना दी थी, वे आ गए थे, वे मेरठ कैंट ले गए उसको। उसका पता चला फिर कि वो आर्मी में है, तो उसने उसके घर वालों से भी बातचीत होती थी और उन्होंने आके कल तहरीर दी है। वो तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 324, 325, 327 को दर्ज किया। तो सर मामला पूरा क्या था, कुछ बताया परिजनों? हाँ हाँ, उन्होंने बताया है कि टीटी के साथ मारपीट हुई थी, उन्होंने ही इसको नीचे गिराया और इसका सामान भी गिरा दिया, और इसका सामान भी सर्च करवाया। जब उन्होंने बताया कि नीचे गिरा दिया सामान, तो करीब 2-2.5 किलोमीटर पहले उसका एक बैग मिल गया, उसके सामान की लिस्ट बना कर वो सुरक्षित रखवा दिया गया।